विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। जैसा कि आपको विदित है कि जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं, जो भी खेती करते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्योंकि जब तक हमारी मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी होगी, हम सफलतापूर्वक अच्छी खेती नहीं कर सकते। जिस तरह से हमें अपने शारीरिक वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे पौधों को भी अपने जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, मिनरल्स आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उनका जीवन यापन होता है। आपको इस संबंध में बता दूं सबसे पहले कि खाद है क्या। खाद वे पदार्थ हैं जो मृदा में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। अब आप कहोगे कि वो तो खाद का यदि हम अपने खेत में पानी भी दे देते हैं, पानी से भी हमारी उर्वरता बढ़ती है। हाँ, ये अपवाद है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जा सकती है कि जल को अपवाद स्वरूप छोड़ते हुए वे सभी पदार्थ जो मृदा में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, खाद का जल। इसके साथ साथ आप दूसरा वर्ड उर्वरक भी देख रहे होंगे। उर्वरक से भी तात्पर्य यही है कि जो हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ाए उसे हम उर्वरक कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट इस तरह से कर दिया है कि जो खाद है, जो प्राकृतिक रूप से खाद तैयार किए जाते हैं उन्हें हम खाद कहते हैं। जो कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में कृत्रिम विधियों से उर्वरक तैयार किए जाते हैं उन्हें हम उर्वरक कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि पौधों के लिए वे कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी पौधे को आवश्यकता पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिन्हें पौधे को बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको पौधा सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता है, लेकिन महत्व इन सूक्ष्म तत्वों का भी इतना ही है कि यदि किसी भी तत्व की कमी हमारी मृदा में सूक्ष्म रूप से भी होगी, हम अच्छी ग्रोथ अपने पौधों के नहीं ले पाएंगे। तो महत्व सबका बराबर है। वो बात दूसरी है कि कुछ तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है पौधे को, कुछ तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। कुछ तत्व हमें हवा और पानी से मिल जाते हैं, जिनको कि बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये हमें प्रकृति से ही जल और वायु के द्वारा ही पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दूं कि लगभग हमारा 90% भाग तो कार्बन का ही बना होता है पौधे का। अगर ये सारे पोषक तत्व हमको खरीद करके पौधे को देने पड़ेंगे तो हम कल्टीवेशन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मार्केट में इतनी कीमत किसान को अदा करने पड़ती है कि वो उसको ही पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। यदि इन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को भी खरीद करके देना पड़ने लगे तो कल्टीवेशन तो हो ही नहीं सकती। तो ये फ्री के तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य माइक्रो एलिमेंट्स, ये माइक्रो एलिमेंट्स है। ये यहां तक माइक्रो एलिमेंट है, ये हमारे माइक्रो एलिमेंट्स है। सूक्ष्म तत्व यानी कि वे तत्व जिनको पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उनको हम माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, और जिन पोषक तत्वों की पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, मेजर इसलिए कहा गया है, माइक्रो इसलिए कहा गया है बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसा शब्द आप सबको मालूम है कि हमारा किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बहुत अधिक मात्रा में डाल रहा है। हालांकि अपनी मर्जी से किसान इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबसे पहले इन पोषक तत्वों का प्रयोग करने से पहले किसान को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए
जो हमारे वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं उसी के आधार पर हमें उन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें इन तत्वों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको प्राइमरी एलिमेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राइमरी में रखे जाते हैं। जहां नाइट्रोजन फास्फोरस के फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं कल कारखानों में, जिनको बहुत अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं उनको इनकी अपेक्षा कम मात्रा में तैयार किया जाता है, क्योंकि पौधे को इनकी कम आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। केवल इनको इसलिए डिफ्रेंशिएट किया गया है क्योंकि इनको प्राथमिक स्थान पर रखा गया है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को सेकेंडरी दूसरे स्थान पर रखा गया है। महत्व इनका भी कम नहीं है, यदि हमारे मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की कमी हो जाएगी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हम सफलतापूर्वक अपना फसल उत्पादन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइनर एलिमेंट्स, जैसे कैफीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन। ये वे तत्व हैं, यदि इनमें से किसी भी एक तत्व की मृदा में कमी होगी तो हमारा पौधा या तो बीमार हो जाएगा केवल पोषक तत्व की कमी के कारण। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, धान में एक बीमारी लग गई जिसको कहते हैं खैरा रोग। नाम तो देते हैं कि वो बीमारी है, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, वो जिंक की कमी के कारण होता है, जिससे हमारे पौधे की पत्तियां जो है तांबे के कलर की होना प्रारंभ हो जाती है, और यदि जिंक की बहुत अधिक मात्रा में कमी है तो हम खेती नहीं कर सकते और हम कहेंगे कि हमारे खेत में बीमारी आ गई और बीमारी का नाम है खैरा रोग। अब दूसरे तत्व है, जैसे कि कोबाल्ट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, ये वो तत्व है जिनकी पौधे को ऐसी डेफिशिएंसी आज तक दिखाई तो नहीं दी, लेकिन किन्हीं विशेष प्रकार के पौधों में यदि कोबाल्ट का प्रयोग किया गया, सोडियम का प्रयोग किया गया, रेडियम का और सिलिकॉन का, तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाया है। हालांकि इसमें कोई खास ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते आज तक कि हमारे खेत में कोबाल्ट, सोडियम, रेडियम, सिलिकॉन की कमी है, लेकिन एक एग्जाम्पल इस तरह हो जाएगा कि जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में तरक्की हो जाए, उसके बाद में आपको कहते हैं भाई स्वीट डिश दे, मीठा कुछ मिल जाए और जायका मिल जाए, यदि ये तत्व मर्जा में होंगे तो हमारा पौधा में जो है बहुत अच्छी होगी और हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो केवल आज इतना ही बता रहा हूँ कि पौधों के लिए जो आवश्यक